दोस्तों, आज हम आपको जो खबर देने वाले हैं उस खबर को सुनकर शायद आप यह कहेंगे कि ये पवनदीप राजन के सिवाय और कोई नहीं कर सकता था। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पवनदीप राजन को लेकर हम आपके लिए एक नहीं बल्कि दो बड़ी खबरें लेकर आ गए हैं। इन दोनों खबरों को सुनकर आप पवनदीप राजन के एक बार फिर से एक बहुत बड़े फैन बन जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आप पवनदीप राजन पर गर्व करना भी शुरू कर देंगे। आखिर पवनदीप राजन ने ऐसा क्या कर दिया है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। दरअसल आपको बता दें कि पहली खबर यह है कि पवनदीप राजन ने एक गाना कंपोज किया है जो कि जी म्यूजिक जैसी बड़ी कंपनी पर रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस खबर को सुनकर लोग आज इसलिए हैरान हो गए हैं क्योंकि पवनदीप राजन ने जो गाना कंपोज किया है वो गाना बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगर यानी जुबिन नौटियाल ने गाया है। जी हां, आपको बता दें कि पवनदीप राजन ने बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगर के लिए गाना कंपोज किया है। इतने बड़े सिंगर के लिए गाना कंपोज करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वहीं दूसरी खबर यह है कि पवनदीप राजन का पिछले कल एक गाना रिलीज हुआ है जो कि हिमेश रेशमिया के नए चैनल पर रिलीज किया गया था। आपको बता दें कि इस गाने को लोग आज इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि कुछ ही घंटों में ये गाना 1 मिलियन पहुंच चुका है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वाला आपने ये गाना सुना है तो आपको ये गाना कैसा लगा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।